नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह वशीकरण किया जाए, किस तरह वशीकरण के माध्यम से आप किसी को अपना बना सकते हैं। कोई आपसे रूठ गया है, नाराज है, या किसी से कोई काम आप करवाना चाहते हैं, तो किस तरह आप उसे अपना बना सकते हैं, किस तरह आप उस व्यक्ति से अपना काम करा सकते हैं। लेकिन ये सब आप तभी कीजिएगा तब आप इस बात के लिए श्योर हो कि आपको उस व्यक्ति को वश में करना है, तभी आप इस वशीकरण विधि का या किसी भी वशीकरण विधि का प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि कई वशीकरण विधि ऐसे होती हैं जो बहुत ही प्रचंड होती है, जैसे जो विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक प्रचंड वशीकरण विधि है, जिसका प्रयोग अगर आपने गलत मंशा से किया तो ये आगे चल के आपको बहुत कुछ भुगतना भी पड़ सकता है। वो व्यक्ति फिर आपसे दूर ही नहीं होगा, फिर आप कुछ ऐसा तरीका ढूंढेंगे कि वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाए। तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले इस बात के लिए श्योर हो जाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं या फिर आपको उनसे काम कराना ही है, तभी आप उस व्यक्ति को अपने वश में करें। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको किसी को वश में करने के लिए कम से कम सामग्री में किस तरह आप किसी को वश में कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको सामग्री ही बता देती हूँ जो सामग्री हमें चाहिए। तो दर्शकों, सबसे पहले हमें चाहिए उस व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया कपड़ा, वो कपड़ा कुछ भी हो सकता है, और हमें चाहिए एक लाल कलम। जी हाँ, एक लाल कलम, लाल मार्कर, कुछ भी आप ले सकते हैं जिसकी सहायता से आपको उस व्यक्ति को वश में करना है। और करना क्या है आपको, आपको लाल मार्कर की सहायता से उस कपड़े पर उसका नाम लिखना है, और नाम बहुत छोटे अक्षरों में लिखना है, बहुत छोटे अक्षरों में। और इसके बाद इस कपड़े को आपको 7 दिन तक अपने पास रखना है। जी हाँ, 7 दिन तक इस कपड़े को आपको अपने पास ही रखना है, अपने से अलग नहीं करना है। चाहे आप इसे अपने तकिए के नीचे रखिए या कहीं भी रखिए जहाँ आपको सहूलियत हो, लेकिन ये कपड़ा किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और जिस वक्त आप इस पर नाम लिख रहे हो, उस वक्त उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं। जी हाँ, और उसके बाद 7 दिन बाद इस कपड़े को बाहर कहीं ले जाकर आपको जला देना है। इसकी राख को आपको अपने पैरों से कुचलना है, अपने पैरों से मसल देना है। जैसे ही आप इसकी राख को, इस कपड़े की राख को, जले हुए कपड़े की राख को आप अपने पैरों से मसलेंगे, वो व्यक्ति पूरी तरह आपके वश में हो जाएगा। जी हाँ, ये एक सरल और सटीक तरीका है किसी व्यक्ति को पूरी तरह अपने वश में करने का। और ये कैसे हो सकता है ये मैंने आपको बताया, लेकिन इस विधि का प्रयोग बहुत ही संभल कर कीजिएगा कि ये करते वक्त कोई आपको ना देखे, ना उस वक्त जब आप कपड़े पर व्यक्ति का नाम लिख रहे हो, ना उस वक्त जब आप इस कपड़े को जला रहे हो। जी हाँ, दोनों ही चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई ना हो। अपने घर से बाहर जाकर आपको इस कपड़े को जलाना है और इसकी राख को अपने पैरों से मसल देना है। जैसे ही आप इसकी राख पैरों से मसलेंगे, वहाँ वो व्यक्ति आपकी ओर खींचा चला आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा, चाहेगा आपके साथ समय व्यतीत करना, आपकी बातें सुनेगा। फिर आप उससे कोई काम करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए वो कोई कार्य करे, जो आप कार्य उसे बोलेंगे वो कार्य वो ही करेगा। ऐसा ही होगा, लेकिन ये तभी होगा जब इसे आप सही तरीके से करेंगे और सही तरीके से इस विधि को अपनाएंगे। तो कोई और समस्या है, कोई जानकारी है जो आप चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया जा रहा है उस नंबर पे कॉल करें, जानकारी लें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ। जय माता दी।